नूरपुर क्षेत्र में घूम रहे लावारिश गौवंश को लेकर नूरपुर गौ सेवा प्रमुख ने चिंता जाहिर की है। गौ सेवा प्रमुख अर्पण चावला ने कहा कि नूरपुर में सड़कों पर लावारिस गौवंश की संख्या में वृद्धि हो रही है। इसकी वजह से जहां रोजाना हादसे हो रहे हैं, तो वहीं कई लोग इनकी वजह से काल का ग्रास भी बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन भी इस ओर कोई ध्यान नहीं देता है। उन्होंने कहा कि गौवंश के संरक्षण के लिए प्रशासन ने कुछ सख्त नियम बनाए थे, जिसमें पंचायत प्रतिनिधियों से लेकर अन्य लोगों की जिम्मेदारियां तय की गई थी, लेकिन इस पर भी कुछ नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि अक्सर देखने में आ रहा है कि लोग अपने पशुओं को सड़कों पर छोड़कर जा रहे हैं, जो अच्छी बात नहीं है। चावला ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि गौवंश को माँ का दर्जा दिया गया है, इसलिए उन्हें सड़कों पर छोड़ने की बजाय घरों में रखा जाए। सनातन धर्म में गौ माता को माँ का स्थान दिया गया है, लेकिन आज स्थिति ये है कि गौवंशज घरों में कम और सड़कों पर ज्यादा दिखाई देते हैं। आए दिन गौवंशज की दुर्घटनाएं आम बात है। सड़कों पर अत्यधिक दुर्घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि लोगों द्वारा बेसहारा गौवंश छोड़ा जा रहा है। ये बहुत ही दुख की बात है और बहुत ही दयनीय स्थिति में गौ माताएं इस कंडीशन में मिल रही हैं। या तो उनको कीड़े पड़े हैं, कईयों के कान कट चुके हैं और आए दिन दुर्घटनाएं होती रह रही हैं। इसलिए मेरा आपसे मुझे आग्रह है कि गौवंश को घर में रखें, उनको खूंटे से बांध के रखें। धन्यवाद।